लेकिन अगर पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, तो भाई मेहनत तो करना होगा। मेरे को बहुत लोग ज्ञानी बाबा, मतलब बहुत लोग, मतलब कोई सब्सक्राइबर ही, मतलब एकदम अलग सर, नो कॉन्टेक्ट काम करता है सर, मुझे तो नहीं लगता। मतलब यहाँ इतने लोग का भाई घर बस गया नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके, अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज के इस वीडियो में मैं अपने ही एक सब्सक्राइबर की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, ठीक है, मतलब छोटा सा एक कहानी, ठीक है, और वो सुनाना इसलिए जरूरी है, वो सब्सक्राइबर से परमिशन ले चुका हूं, उसने खुद बोला था हाँ सर थोड़ा मेरा जिक्र कर देना, ठीक है, वो सुनाना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो सब्सक्राइबर जो गलती किया वो आप लोग भी कर रहे होंगे, समझ लो, इसलिए उसका वो बात सुनाना जरूरी है भाई। पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को सॉरी बोलना चाहूंगा, काफी गैप के बाद अब वीडियो आ रहा है यार, ठीक है, अभी देखो 10 दिन के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, तबीयत काफी, मतलब 6-7 दिन के लिए खराब हो चुका था यार, मतलब बेड रेस्ट पे था, ठीक है, लेकिन अब एकदम कंटिन्यू रहूंगा। आप लोग पहले जैसा ही सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को भी मारिए एकदम लाइक, 300 टारगेट रखा हूँ, 300 टारगेट सेट किया हूँ भाई, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर हमेशा 300 टारगेट क्यों बोलते हो, मतलब 400 क्यों नहीं बोल रहे हो, भाई 200 भी तो कर दो, समझ रहा हूँ, तो 300 टारगेट रखा हूँ, 300 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ना। यार देखो 6 महीने पहले की बात है, मुझे इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर ने, लड़का ही था, ठीक है, 22-23 साल का लड़का होगा, ठीक है, उस लड़के ने मुझे मैसेज किया था 6 मंथ पहले, ठीक है, मुझे मैसेज किया सर बात बात करनी है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, चैट वेट पे हो जाएगा या पैसा ही देना होगा। मैंने बोला भाई लंबी बात करनी है तो पैसे लगेगा, बाकी एक लाइन में कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। बोला सर लंबी बात करनी है, मैं बोला भाई तो फिर रोकरा लगेगा, तो उसने फिर कॉल बुक किया, ठीक है, उसने फिर कॉल बुक किया, 1 घंटे का जो चार्ज रहता है उसने वो दिया, और मैंने 1 घंटे बात किया, ठीक है। उसका जो मतलब स्टोरी था, उस स्टोरी में ये था कि उसकी बंदी थोड़ी घटिया थी, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की थी, ठीक है, बंदे का उतना कुछ खास गलती नहीं था, बस यही था कि पॉजेसिव हो गया था, ठीक है, मतलब लड़की के पीछे पागल कि प्लीज यार बात करो, कॉल क्यों नहीं, ये वो, और थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया था तो रोका टोकी किया था, ठीक है, लेकिन मेन विलन लड़की थी। उसका जो स्टोरी सुनकर मुझे लगा मेन गलती उसकी लड़की, वो उसकी बंदी की थी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और एकदम अकड़ू टाइप की, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि यार आप नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करो, 2 महीने का टारगेट सेट करो, ठीक है, और हो सकता है इसी बीच बंदी आ जाए, आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। तो लड़का क्या है ना, मतलब हूं ओके सर होता है ना, बहुत सब्सक्राइबर मतलब जो कॉल बुक कराते हैं तो मेरा रेस्पेक्ट की वजह से ओके सर, जी सर, जी सर कर रहा है, आप समझ रहे हो, तो वो नहीं करना है। जो है आप भी जो अगर कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मेरी बातों को, जो भी कॉल बुक कराते हैं, तो आप भी अपना बात रखिए, सर ऐसे करूं मैं नहीं कर पाऊंगा, सर ये करूं, आप समझो। तो वो लड़का भी जी सर किया, ठीक है। तो 1 घंटा तो बात किया, मैंने बोला कि नो कॉन्टेक्ट पे रहो, ठीक है, थोड़ा डीपीओपी अपना चेंज करो, आप बहुत पीछे पड़ चुके हो उस लड़की के पीछे, इसलिए आपकी वैल्यू डाउन है। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, 1 घंटा बात हुआ, फिर कॉल रखाया। उसका 2 दिन के बाद फिर उसने कॉल बुक किया था, ठीक है, फिर से अपॉइंटमेंट उसने लिया, फिर हमने बात किया। तो लड़का क्या बोलता है कि सर मेरे से ये नो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 साल का रिलेशनशिप है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है सर, 1 दिन भी मैं अगर लड़की को मैसेज ना करूं तो। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे होगा, ठीक है, प्यार चाहिए तो मेहनत तो करना होगा, थोड़ा तो कंट्रोल करना होगा। बोलता है सर हो ही नहीं पाएगा सर, सॉरी नो कॉन्टेक्ट रूल सर, मुझे नहीं लग रहा है सर कुछ खास है, साइलेंट वायलेंट सर ये सब से नहीं होगा सर। मैं बोला कि भाई तो इतने पीछे पागल हो चुके थे तो आपकी कद्र कहां करेगी आपकी बंदी। बोलते सर वो सब मैं नहीं जानता, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है सर, वो लड़की भले ही मेरा कॉल कट कर देती है, लेकिन वो बाद में कट करती है, लेकिन मैं कम से कम मिस कॉल तो मेरा चला जाता है सर, उसी समय खुश हूं। मतलब देखो कितना वो कमजोर था उस समय, मतलब वो भाई कितना कमजोर इंसान की तरह बात किया था, 6 महीने पहले की बात बोल रहा हूं। मैं अच्छे से समझाया, मैं बोला भाई थोड़ा समझो, नो कॉन्टेक्ट नहीं करोगे भाई घंटा इस तरह की बंदी आएगी नहीं, ठीक है। बोला सर हो ही नहीं पाएगा सर, वो लड़की मेरे को कुछ भी सुनाए
मैं सुन लूंगा, लेकिन सर एक दिन भी मैं अलग नहीं रह पाऊंगा सर, मुझे मैं अगर गैप मारूंगा दूसरे से पट जाएगी, दूसरा लौंडा पट जाएगा। मैंने बोला कि आपकी बंदी दो नंबर की है, बोलता नहीं सर बहुत अच्छी लड़की है। मैं फिर मैंने बोला कि आपको फिर अपनी बंदी पर ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्या कोई प्रोस्टिट्यूट को गर्लफ्रेंड बनाए थे, बोलता है नहीं सर। मैंने बोला प्रोस्टिट्यूट भी भाई पैसे लेके ही सोती है किसी के साथ, तो इतना तो अपनी बंदी पर ट्रस्ट करो, मतलब इतना घटिया प्यार था क्या आप लोग का कि अपनी बंदी को 15 दिन भी बात ना करो तो बंदी दूसरे के साथ चल जाएगी। तो बोलते नहीं सर गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है। मैं बोला फिर क्या दिक्कत है यार, गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट तो करो, इतनी घटिया लड़की थोड़ी है, मैंने उसको बोला। अब वो कुछ समझ ही नहीं रहा, बोल रहा है सर नहीं हो पाएगा सर, मैं सर मतलब मैं कॉल करूंगा यार, मैं कॉल करूंगा। मैं बोला क्यों, अरे भाई समझो बात को, इतने लोगों का रिजल्ट आ रहा है ठीक है, इतने लोग नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो बोलता है मुझे सर किसी से मतलब नहीं है, मैं सर कॉल करूंगा सर, मैं पीछे पड़े रहूंगा, कभी तो मेरे पे दया आ जाएगा बताओ। मतलब वो लड़का बोलता है ठीक है, 6 महीना पहले बोला कि सर मैं अपनी बंदी का पिछवाड़ा चाटते रहूंगा तो कभी तो मेरी बंदी को मेरे पे मतलब तरस आ जाएगा, वो दया खा के कभी तो रिलेशनशिप में आ जाएगी। अब बताओ यार, अब भाई क्लाइंट पैसा दिया, मेरा कर्तव्य है 1 घंटा बात करूंगा ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी कभी कभी मैं दे देता हूँ, भाई मैं उतना ही तो कर सकता हूँ ना, सही चीज ही गाइड करूंगा, तो मैंने अपना कर्तव्य किया। अब वो भाई पे डिपेंड करता हूँ मेरा बात लेता है कि नहीं, तो उसने शायद बात नहीं माना, उसके बाद वो उससे फिर बात हुई नहीं, वही 2 कॉल बुक किया था, पहला दूसरा बस। तो होता क्या है, 4 महीना के बाद मतलब आज से 2 महीना पहले ठीक है, मतलब उस वो जो पहला दूसरा कॉल किया उसके 4 महीना बाद, तो अभी से कितना हुआ 2 महीना पहले ठीक है, उसने फिर तीसरा कॉल बुक किया 4 महीना के बाद। मेरी सिस्टर हैंडल करती है व्हाट्सएप ठीक है, तो फिर वही बोला कि सर से बात करनी है ठीक है, दोबारा बात मतलब तीसरा बार बात करना है। तो फिर से मैंने बात किया, तो उसने बोला कि सर याद हूं मैं तो मेरे को याद था उसका स्टोरी ठीक है, इतना तो भाई बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मेडिकल लाइन का था, तो याददाश्त तो है अच्छी ठीक है, तो मुझे याद था। वो बोलता है मेरे को क्या बोलता है 4 महीना के बाद, बोलता है सर हाथ जोड़ता हूँ प्लीज बचा लीजिए। मैं बोला क्या हुआ, बोलता है सर मैं जो बोलोगे साला मैं करने के लिए तैयार हूँ ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया सर, बंदी तो एकदम चुतिया निकली। मैं बोला क्या हुआ, बोलता है सर मैं अब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा सर, ये इसको मैं इतना अच्छा से समझाता हूँ इतना, फिर भी सर इतना अकड़ दिखा रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ना ढंग से बात कर रही है ना कुछ हो, आप समझ रहे हो, मतलब ब्लॉक कर दे रही है तो एकदम कितने दिन के लिए ब्लॉक कर रही है, फिर मैं अब इसकी सहेली से बात कर रहा हूँ कि प्लीज अनब्लॉक कराओ ठीक है, तब जाके अनब्लॉक कर रही है, उसमें सीधा ऐसे बोलती है बोलो क्या हुआ, इसलिए बात मुझे नहीं करनी, इस तरह बात कर रही है सर मेरा दिमाग खराब हो रहा है सर, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर कुछ बचा लो सर, ये इस लड़की को लाइन पर लाओ सर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बताओ मतलब 4 महीना के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक होते हुए दिखा मुझे। मैंने बोला कि भाई देखो टिप्स तो मैं आज भी भाई दूंगा, फॉलो करोगे तो बोलो ठीक है, तो बोलते हाँ सर बिल्कुल करो। मैं तो नोट्स लिखाता हूँ मतलब पेपर में, पूरा पॉइंट वाइज लिखाया ठीक है। सबसे पहले अपने तरफ से कॉल मैसेज आपका जाना नहीं चाहिए, किसी वो जो सहेली से बात करते हो ना अपनी बंदी की सहेली से कि प्लीज अनब्लॉक करवा दीजिए, वो सब बकचोदी मत करो, किसी थर्ड पर्सन से बात करने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। पूरा मैंने पॉइंट वाइज लिखाया, इंक्लूडिंग सेल्फ ग्रो कैसे करना है उस पर भी ठीक है। नो कॉन्टैक्ट तो एक नॉर्मल नो कॉन्टैक्ट होता ही है कि खुद से कॉल मैसेज नहीं करना, इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट लिखाया। आप यकीन नहीं करोगे, 2 दिन पहले ही उस बंदे की बंदी आई। अब बताओ 2 दिन पहले, मतलब 1.5 महीना से ऊपर उसका नो कॉन्टैक्ट रूल चला ठीक है, भाई उसकी बंदी आ गई अभी ना, मतलब एकदम पागल की तरह पीछे पड़ी हुई है, यार तुम तो भूल ही गई मुझे, ऐसे करके बात करिए। बताओ ये वीडियो बना रहा हूं अपलोड तो 2-3 घंटे बात करूंगा, तो अब समझ लो 2 दिन पहले ही, इस बीच में काफी बार बुकिंग किया मतलब रेगुलर मोटिवेशन लेने के लिए, कभी कभी उसका डाउन होता था कि सर मेरा हिम्मत टूट रहा है मैं क्या करूं, मैं बोलता हूँ घंटा एकदम कंट्रोल रखो, कुछ नहीं होता है, यहाँ लोगों को 6-6 महीना 7-7 महीने के बाद भी बंदी आती है या बंदी की बंदे आते हैं, आप समझ रहे हो भाई, कंट्रोल की और अभी देखो उसका एकदम मेहनत का फल मिला उसको, कुछ नहीं था बंदी को। दरअसल मैं बता रहा हूँ बात क्या था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके अंदर लड़के को लेकर प्यार था, लेकिन लड़की क्या सोच के बैठी थी ना, जाएगा ही कहां लड़का, ये लड़का कहीं मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए खुद को महारानी समझ रही थी।
तो लड़का कॉल मैसेज कर रहा था तो एकदम अंदर से प्यार था लेकिन एटीट्यूड दिखा रही थी। तो मैंने एकदम 1.5-2 महीना भाई गैप मरवाया और कात पे आ गए, अभी एकदम बिंदास है, ठीक है। अब हालांकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी लड़का को मैंने बोला है कि एटीट्यूड में रहना, अभी फिर भी एटीट्यूड में, खुद से कॉल मैसेज अभी भी नहीं कर रहा है, वही लड़की कर रही है। लड़की की ना असल में फट गई, उसको लगा रही साला लड़का इतना भाई, हालांकि लड़की भी इंतजार कर रही थी कि यार डेली कॉल मैसेज करने वाला लड़का ये साला 15-20 दिन से कॉल ही नहीं कर रहा है, ठीक है। 15-20 दिन का नो कॉन्टेक्ट के बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड की हालत खराब हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो उसकी गर्लफ्रेंड 2 महीने में रेस्पॉन्स दी, क्योंकि थोड़ा उसका ईगो पे आ गया होगा लड़की का कि नहीं मैं तो नहीं झुकूंगी, मतलब हालत उसका उसकी बंदे की उसकी गर्लफ्रेंड की 15 दिन में हालत खराब हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी वो कैरी ऑन उसका मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं दी क्योंकि ईगो आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ईगो भी दम तोड़ दिया उस लड़की का, ठीक है, 1.5-2 महीना का नो कॉन्टेक्ट रूल में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका 2 महीने में पार्टनर आ जाएगा, बहुत लोग का ज्यादा भी टाइम लगता है समझ रहे हो। तो भाई अभी ये मेरा भक्त बना हुआ है ये सब्सक्राइबर, कुछ नहीं था सिंपल, इसका पता है बहुत पहले ही ठीक कर देता, ठीक है, इसका बहुत पहले ठीक हो, ये मेरा बात नहीं माना भाई। मैं ये नहीं, मैं किसी को गारंटी नहीं देता हूं कि मैं सबका ठीक कर दूंगा, लेकिन प्रॉपर है, अगर आपके रिलेशनशिप का पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, डैमेज इतना हुआ है बस कि कंट्रोल हो जाएगा डैमेज, रिकवर हो सकता है आपका रिलेशनशिप, तब तो भाई 100% भाई पार्टनर आ जाएगा। और उसका ना रिलेशनशिप ठीक ठाक डैमेज हुआ था, मतलब कि 60% डैमेज हुआ था, बहुत लोगों तो 95 डैमेज हो जाता है, उसका 60% हुआ था, लेकिन उसने 4 महीना के बाद 90% डैमेज कर दिया, फिर आया मेरे पास। तो भाई मैं 90% डैमेज भी ठीक किया, कुछ नहीं, बस उस बंदे को बोला आपका कॉल मैसेज मत करना, हर 4-5 दिन पे DPUP चेंज करो, स्टेटस लगाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। लड़का का प्लस पॉइंट ये था कि ठीक ठाक कमाता था, अगर वही कोई स्टूडेंट टाइप कर रहा था कुछ कमाता नहीं, लड़की भाई उसको और चुतिया समझती, समझ रहे हो। तो भाई यही है, मतलब अगर आप काउंसलिंग ले रहे हो किसी से, ठीक है, हम लोग इतने जो वीडियोस बनाते हैं भाई बेवकूफ नहीं है हम लोग, मैं कोई इधर 40 साल का आदमी नहीं हूं, सुनो, ठीक है, 30 प्रॉपर 30 का भी नहीं हूं, आप समझ रहे हो भाई, 30 के नीचे ही मेरी एज है, ठीक है, 28.5-29 मानो, लेकिन मैंने लाइफ में इतना देखा है ना, बहुत देखा है भाई, बहुत, ठीक है। मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो भाई थोड़ा तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, कुछ तो समझना होगा भाई, समझ रहे हो। ये नहीं, हम लोग भाई इतना वीडियोस बनाते हैं, बेवकूफ है क्या हम लोग, ये नहीं बोल रहे कि हम लोग कोई भगवान है, लेकिन हम दोनों में कुछ तो अंतर होगा ना। आप भाई 3500 लोगों से तो बात करके बैठे नहीं हो, ठीक है, 3400 प्लस तो मेरे बस कॉल बुकिंग के क्लाइंट ही है, और उससे पहले फ्री में कितना मैंने लोगों से बात किया होगा ये कॉल बुक सर्विस से पहले, तो वो तो भाई छोड़ ही दो। तो अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रहा, और भी कोई यूट्यूबर अगर आपको बता रहा है, ठीक है, अधिकतर सही ही बताते हैं, तो वो लड़का बात नहीं माना, वो अकबका गया, उसको लगा रे यार नहीं यार, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था उसका, उसको लगा क्या नो कॉन्टेक्ट यार, ये वो एकदम बोरिंग है, बोरिंग प्रोसेस है, मतलब बंदी हाथ से जाने के लिए तैयार है वो बोरिंग नहीं लग रहा है, लेकिन मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं तो वो बोरिंग लग रहा है। भाई बिना मेहनत का भाई बंदी या बंदा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो, ठीक है, ये तामझाम दिमाग खराब हो अगर हो रहा है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट, ये तो भाई सीधा मूव ऑन करो, कौन बोल रहा है आपको रिलेशनशिप कैरी ऑन करने, ठीक है। रिलेशनशिप तो मस्त है, अपना दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी भी भाई खोल के चले जाओ, लेकिन अगर पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, तो भाई मेहनत तो करना होगा। मेरे को बहुत लोग ज्ञानी बाबा, मतलब बहुत लोग, मतलब कोई सब्सक्राइबर ही, मतलब एकदम अलग सर नो कॉन्टेक्ट पूरा काम करता है सर, मुझे तो नहीं लगता, मतलब यहाँ इतने लोग का भाई घर बस गया नो कॉन्टेक्ट पूरा फॉलो करके, अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता भाई, असल में फट जाती है नो कॉन्टेक्ट पूरा फॉलो करने में, क्योंकि डेली उनको अपडेट चाहिए अपने पार्टनर का, लेकिन नो कॉन्टेक्ट रूल क्या होता है पता है, आंख बंद करके बस चलना होता है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना होता है, और ये सब के बस की बात नहीं है, रिजल्ट आए चाहे ना आए कम से मेहनत तो कीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल तो कीजिए। अब वो लड़का बोलता है सर कि आप एकदम 6 महीना पहले एकदम सही बोल रहे थे, लेकिन उसे मैं बेवकूफ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, अभी बताओ उसको मैं कब, उसकी बंदी को मैं कब का नचवा देता,
समझ, कुछ नहीं था यार, मेरा बस बात मान लेता, बस उसी में हो जाता, ठीक है। तो यही बेवकूफी आप लोग ही मत कीजिए, नो कॉन्टेक्ट, आपको पता नहीं है किस लेवल का, टॉप का लेवल का चीज है, आप समझ रहे हो। अब अलग बात है कुछ लोग का काम नहीं करता है, अब उनका डैमेज एकदम 100% हो चुका है, कहां से नो कॉन्टेक्ट काम करेगा। आप अपने गर्लफ्रेंड की मम्मी को गाली दे दियो तो कहां से नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करोगे काम करेगा। आप अपनी बंदी को धमकी दे दियो कि तुम्हारा पूरा न्यूड वूड जो भी वीडियो कॉल में की थी मैं वायरल कर दूंगा, अब इसके बाद कोई भी लड़की आपके रिलेशनशिप में आएगी नहीं, अब फिर भी इसमें नो कॉन्टेक्ट रूल अप्लाई करोगे तो कहां से काम करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हुआ है, समझ रहे हो। आप अपने बॉयफ्रेंड का पूरा 4 लाख रुपया खा के उसी को गाली दे रही हो तो कहां बंदा आपका वापस आएगा, समझ रहे हो। इसलिए हर चीज ये नहीं है, नो कॉन्टेक्ट है तो गारंटी वाला चीज है, पॉसिबिलिटी वाला चीज है, तो अपना पॉसिबिलिटी चेक कीजिए, और वो चेक करवाने के लिए मैं बैठा हूं था, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है भाई। तबीयत बहुत टाइम से खराब चल रही थी, अभी भी रिकवर हो ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी भाई, काउंसलिंग फीस लगती है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।